वेलकम टू इंटेलिजेंसिया इंस्टीट्यूट। इंटेलिजेंसिया इंस्टीट्यूट के चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। कमल से संबंधित जो है प्रमुख शब्द जो हैं, अनेक शब्दों की एक शब्द यह टॉपिक चल रहा है हमारा, तो देखते हैं, ठीक है। लाल कमल को हम कहते हैं कोकनद, सफ़ेद कमल को कहते हैं पुंडरीक, कमल की डंडी को कहते हैं मिडाल या कमलनाल, तालाब में खिला हुआ कमल के लिए एक शब्द है सरसिज और सरोज भी बोलते हैं, रात को खिलने वाला श्वेत कमल को एक शब्द होता है इसका कुमुद। अब आगे देखते हैं, जिसकी तुलना ना हो सके, ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द होगा अतुलनीय, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए तो उसका एक शब्द होगा अग्रगण, सभी जातियों से संबंध रखने वाली के लिए एक शब्द होगा अंतर जातीय, जिसका खंडन ना किया जा सके तो उसके लिए एक शब्द होगा अखंडनीय, जिसका चिंतन ना किया जा सके तो उसके लिए एक शब्द होगा अचिंत्य, जिसको त्यागा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अत्याज्य, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य क्या होगा, अधिमूल्य होगा, मूल कथा में आने वाला प्रासंग लघु कथा के लिए एक शब्द होगा अंता कथा, जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके के लिए एक शब्द होगा अनिरुद्ध या अविरोधी, जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो तो उसके लिए एक शब्द होगा अनुगृहित, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो तो उसके लिए एक शब्द होगा अनाक्रांत, अनुकरण करने योग्य के लिए एक शब्द है अनुकरणीय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सकी उसके लिए एक शब्द है अपरमेय, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द होगा अभीप्सा, क्या होगा अभीप्सा, जो साहित्य कथा आदि में रस ना ले उसके लिए एक शब्द होगा अरासिक, ठीक है, क्या होगा अरासिक, ठीक है, जो वध करने योग्य ना हो उसके लिए क्या होगा एक शब्द अवध्य, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है तो उसके लिए एक शब्द होगा असूर्य पास्या, जो शोक करने योग्य नहीं हो उसके लिए एक शब्द होगा अशोक की, जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए एक शब्द होगा आसन्न मृत्यु, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसके लिए एक शब्द है आगत पतिका, ठीक है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो तो उसके लिए एक शब्द होगा अजान बाहु, मृत्यु पर्यंत के लिए एक शब्द है आमरण, अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला के लिए एक शब्द है आत्मशलाघी, ठीक, ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए एक शब्द है आस्तिक, शीघ्र प्रसन्न होने वाला के लिए एक शब्द है आस्तोष, विदेश से देश में माल मंगाना के लिए एक शब्द होगा आयात, सिर से पांव तक के लिए एक शब्द है अपादमस्तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द है आधोपांत, ठीक है, जो अतिथि का सत्कार करता हो उसके लिए एक शब्द है अतिथे या मेजबान, दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना के लिए एक शब्द होगा आत्मोत्सर्ग, जिस पर हमला किया गया हो उसके लिए एक शब्द है आक्रांत, ठीक है, हाँ आगे, जिसने हमला किया हो उसके लिए एक शब्द है अक्रांता, ठीक है, जिस पर हमला किया गया हो उसके लिए एक शब्द है अक्रांत, और जिस पर हमला किया गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अक्रांता, जिसे सूंघा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है आघ्रे, ठीक है, जो जन्म लेते ही गिर जाए या मर गया हो उसके लिए एक शब्द होगा आजन्मपात, पवित्र आचरण करने वाले के लिए एक शब्द होगा आचारपूत, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से लिया गया वर्णन के लिए एक शब्द होगा इतिहास वृत्त, क्या होगा इतिहास वृत्त,
इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द होगा यह लोक। ठीक है, आगे देखते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द है इंद्रजीत। माँ बाप का अकेला लड़का के लिए एक शब्द है इकलौता। जो इंद्रियों से परे हो या जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात ना हो उसके लिए एक शब्द होगा इंद्रियातीत। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा के लिए एक शब्द ईशान या ईशान्य होगा। ठीक है, इस ये जो है, हाँ आगे। पर्वत की निचली समतल भूमि के लिए एक शब्द होगा उपतायका। उपतायका, ठीक है। दूसरों के खाने से बची हुई वस्तु के लिए एक शब्द होगा उच्छिष्ट। क्या होगा? उच्छिष्ट। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाले के लिए एक शब्द होगा उच्छृंखल होगा। क्या होगा? उच्छृंखल। ठीक, उच्छृंखल। ठीक, ये तीन चार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। वह पर्वत जहां से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं तो उसके लिए एक शब्द होगा उदयाचल। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो तो उसके लिए एक शब्द होगा उपकृत। ऐसा जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो तो उसे हम बोलेंगे उर्वरा। जो छाती के बल चलता हो, सांप आदि, तो इसके लिए एक शब्द होगा उरग। जिसने अपना ऋण पूरा कर दिया हो तो उसके लिए होगा उरिड। जिसकी दोनों में निष्ठा हो उसके लिए एक शब्द होगा वैनिष्ठ। ऊपर की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द होगा ऊर्ध्वगामी। नदी के निकलने का स्थान तो उसके लिए एक शब्द होगा उद्गम। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन के लिए एक शब्द होगा उपकरण। जो उपासना के योग्य हो उसके लिए एक शब्द होगा उपास्य। क्या होगा? उपास्य। हाँ, अब आहार से संबंधित प्रमुख शब्द जो है इसके लिए देखते हैं। कम खाने वाले उसे एक शब्द हम कहेंगे अल्पाहारी। अल्पाहारी, ठीक है। कम खाने वाले को हम बोलेंगे अल्पाहारी। ठीक, जो दिन में एक बार भोजन करता हो तो उसके लिए एक शब्द होगा इकाहारी। जो केवल दूध पीता हो उसे हम कहेंगे दुग्धाहारी। जो केवल फल खाता हो उसे हम कहेंगे फलाहारी। जो केवल मांस खाता हो उसे हम कहेंगे मांसाहारी। नपा तुला भोजन करने वाले को हम बोलेंगे मिताहारी। कम खाने वाले को हम बोलेंगे मिताहारी। केवल साग सब्जी खाने वाले को बोलेंगे शाकाहारी। जो सब कुछ खाता हो उसे हम कहेंगे सर्वाची या सर्वाहारी। जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों हो उसे हम कहेंगे सर्वाहारी। जो बहुत कम खाता हो उसे हम कहेंगे स्वाल्पाहारी। ठीक है, स्वाल्पाहारी। हाँ, अब संतान से संबंधित प्रमुख शब्द है उसको देखते हैं। माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को बोलेंगे अपवृद्ध। तो इसे बोलेंगे अपवृद्ध। ठीक है, अपवृद्ध। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को हम बोलेंगे औरस। वैध संतान हो उसे हम बोलेंगे औरस। उपपति या गैर पुरुष से उत्पन्न संतान को हम कहेंगे जारज। दूसरी माँ के कोख से या एक से अधिक माताओं से जन्म लेने वाले के हम बोलेंगे अनयोदर। जिसका जन्म कन्या या अविवाहित स्त्री के गर्भ से हो तो उसे हम कहेंगे कानीन। क्रय किया हुआ पुत्र को हम बोलेंगे क्रीतक। नियोग प्रथा या समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र को हम बोलेंगे क्षेत्रज। क्या बोलेंगे? क्षेत्रज। गोद लिया हुआ पुत्र को हम बोलेंगे दत्तक। परित्यक्ता या विधवा से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को हम बोलेंगे पौनरभव बोलेंगे। गर्भिणी स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को हम बोलेंगे सहोड़। ब्राह्मण पिता तथा शूद्र
विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को हम बोलेंगे पार्श्व। क्षत्रिय पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को बोलेंगे उग्र। वैश्य पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को हम बोलेंगे सूचिका। मरने के बाद संपत्ति का मालिक तो इसे हम बोलेंगे उत्तराधिकारी या वारिस। सूर्योदय की लालिमा के लिए एक शब्द होगा ऊषा। कुएं के पास वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं उसके लिए एक शब्द होगा उबारा। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाले के लिए एक शब्द होगा उठाई गिरी। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो उसके लिए एक शब्द होगा ऊसर। हाँ, आगे देखते हैं। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा के लिए एक शब्द होगा हुसा। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई भी निष्कर्ष ना निकले तो उसके लिए एक शब्द होगा वाहपोह। क्या होगा? वाहपोह। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ के लिए एक शब्द होगा एकीकृत। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा ईष्णा। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, निश्चित हो, उसके लिए एक शब्द होगा एकांतिक। ठीक है। इंद्रियों को भ्रमित करने वाले के लिए एक शब्द होगा, उसे हम कहेंगे ऐंद्रजालिक। ठीक है, ऐंद्रजालिक। ठीक। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाले के लिए एक शब्द होगा ओझा। जो उपनिषदों से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द होगा औपनिषदिक। ठीक है। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान के लिए एक शब्द होगा औरस। हड्डियों का ढांचा के लिए एक शब्द होगा कंकाल। दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द होगा कथोपकथन। बर्तन बेचने वाले के लिए एक शब्द होगा कसीरा। जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो उसके लिए एक शब्द होगा कट्टर। जिसकी कल्पना ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा कल्पनातीत। ऐसा अन्य जो खाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द होगा कदन्य। हाथी का बच्चा के लिए एक शब्द होगा कालब। क्या होगा? कलब। क्या होगा? कलब। ठीक। आगे कर्म में तत्पर रहने वाले के लिए एक शब्द होगा कर्मठ। कान में कही जाने वाली बात के लिए एक शब्द होगा कानाबाती या कानाफूसी। सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है उसे हम बोलेंगे कार्यपालिका। जो दुख या भय से पीड़ित हो उसके लिए एक शब्द होगा कातर। अब समय से संबंधित जो प्रमुख शब्द हैं उसको हम देखते हैं। तो देखते हैं, सूर्योदय से दो घड़ी पहले तक के समय को हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त। सुबह के 4 बजे के समय को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय या अरुणोदय से पहले के समय को बोलते हैं ऊषा काल। सूर्योदय या अरुणोदय से पहले के समय को हम क्या बोलेंगे? ऊषा काल। ठीक है। पौ फटने के समय को हम क्या बोलेंगे? ऊषा काल बोलेंगे। रात्रि एवं सुबह के बीच के समय को हम क्या बोलेंगे? ऊषा काल बोलेंगे। सुबह पक्षियों के कलरों के समय को हम क्या बोलेंगे? भोर बोलेंगे। सूर्य की लालिमा दिखने के समय को हम क्या बोलेंगे? अरुणोदय काल बोलेंगे। सूर्य के निकलने के समय को हम क्या बोलेंगे? सूर्योदय काल बोलेंगे। सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक के समय को हम बोलेंगे प्रातःकाल। दोपहर के पहले के समय को बोलेंगे पूर्वाह्न। ठीक है। दिन के पहले दो प्रहर को हम बोलेंगे पूर्वाह्न। दोपहर के समय को हम बोलेंगे मध्याह्न। ठीक है। दोपहर के बाद के समय को बोलेंगे अपराह्न। सूर्यास्त का समय कहलाता है संध्या काल। सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद का समय कहलाता है अतिसंध्या।
क्या कहलाता है? अति संध्या। संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या बोलेंगे? अति संध्या। संध्या और रात्रि के बीच के समय को हम बोलेंगे गोधूली। संध्या काल जब गाय चरा कर लौटती हैं तो उसको बोलेंगे गोधूली। दिन और रात के मिलने के समय को हम बोलेंगे प्रदोष काल। रात्रि का प्रथम पहर कहलाता है प्रदोष। रात्रि के पूर्व भाग का समय कहा जाता है प्रादोष। रात्रि का दूसरा प्रहर कहा जाता है द्वियामा। मध्य रात्रि या अर्ध रात्रि का समय कहा जाता है निशीथ। रात्रि का तीसरा प्रहर कहा जाता है त्रियामा। रात्रि का अंतिम या चौथा प्रहर कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। अंधेरी रात कहा जाता है तमिश्रा। तारो भरी रात को कहा जाता है विभावरी। चांदनी रात को कहा जाता है शरवरी। सूर्य का मकर रेखा के उत्तर जाना कहलाता है उत्तरायण। सूर्य का कर्क रेखा के दक्षिण जाना कहलाता है दक्षिणायन। ठीक, आगे देखते हैं। अब भाषा से संबंधित सब प्रमुख शब्द देखते हैं। तो कम बोलने वाले को हम बोलेंगे अल्पभाषी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द होगा बहुभाषाविद। एक से अधिक भाषाएं बहुत सी भाषाएं बोलने वाले के लिए वही बहुभाषाविद। बहुभाषाभाषी। ठीक, झूठ या मिथ्या बोलने वाले को हम बोलेंगे मिथ्यावादी। मीठा बोलने वाले के लिए हम बोलेंगे मिष्टभाषी या मृदुभाषी। अब घर से संबंधित प्रमुख शब्द देखेंगे। तो नानी के घर को हम बोलते हैं नैनिहाल। क्या बोलते हैं? नैनिहाल। पिता यौन प्रापिताओं से संबंधित को हम बोलेंगे पैतृक। ठीक है, विवाहिता की माता पिता का घर बोलेंगे पियहर या माइका। विवाहित स्त्री के पति का घर कहलाता है ससुराल। पति या पत्नी के पिता का घर कहलाता है ससुराल। बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच अवस्था कहलाता है किशोरावस्था। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो उसे हम बोलेंगे किदवंती या जनश्रुति। अपने काम के बारे में कुछ निश्चित न करने वाला तो इसे हम बोलेंगे किन कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, वृक्ष लता आदि से ढका स्थान कहलाता है कुंज। किए गए उपकार को मानने वाले के लिए होता है एक शब्द कृतज्ञ। किए गए उपकार को ना मानने वाले के लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ बोलेंगे। ठीक है, जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है उसके लिए एक शब्द होगा कृपण। ठीक है, कृपण। जो संकल्प कर रखे हैं, जिसने संकल्प कर रखा है तो उसके लिए एक शब्द होगा कृत संकल्प। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसके लिए होगा केंद्रापसारी। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसके लिए एक शब्द होगा केंद्र अभिशारी या केंद्राभिमुख। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली के लिए एक शब्द होगा केचुली। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए इसके लिए एक शब्द होगा क्षणभंगुर। जहाँ धरती और आकाश के मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे हम बोलते हैं क्षितिज। ठीक है, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो उसके लिए एक शब्द होगा क्षुधातुर। भूख से पीड़ित के लिए एक शब्द होगा क्षुधार्त। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात में रहकर प्रातः लौटे उसके लिए एक शब्द होगा खंडिता। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है उसे हम बोलेंगे खड़ग हस्त। क्या बोलेंगे? खड़ग हस्त। नायक का प्रतिद्वंदी के लिए एक शब्द है खलनायक। जहाँ से गंगा नदी उद्गम होता है उसके लिए एक शब्द है गंगोत्री। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होगा गणिका।
जो आकाश को छू रहा हो उसके लिए एक शब्द होगा गगन स्पर्शी। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाले के लिए एक शब्द होगा गतानुगतिक। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले शक्ति के लिए एक शब्द होगा गुरुत्वाकर्षण। जो बात गूढ़ या रहस्यपूर्ण हो उसके लिए एक शब्द होगा गूढ़ोक्ति। जीवन का द्वितीय आश्रम कहलाता है गृहस्थ आश्रम। गायों के खुरों से उड़ी धूल को हम बोलेंगे गौधूली। जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है, जिनों रात्रि के बीच के समय को हम बोलेंगे गौधूली बेला। घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाले के लिए एक शब्द होता है घसियारा। जो घृणा का पात्र हो उसके लिए एक शब्द होगा घृणित या घृणास्पद। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, आगे जिसके सिर पर चंद्रकला हो या चंद्रकला या शिव, तो उसे हम बोलेंगे चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। वह कृति जिसमें गति और पद दोनों हो तो उसे हम बोलेंगे चंपू। चक्र के रूप में घूमती हुई हवा को हम बोलेंगे चक्रवात। ठीक है, ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे हम बोलेंगे चक्रवृद्धि। जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द होगा चक्रपाणी। चक्रपाणी, ठीक है, चार भुजाओं वाले के लिए एक शब्द होगा चतुर्भुज। अब भूमि से संबंधित प्रमुख शब्द जो है उसको देखते हैं। जो जोता बोया ना गया हो उसके लिए एक शब्द होगा आकृष्ट या आकर्षित। ठीक है, आकर्षित होगा। बिना जोती हुई भूमि के लिए एक शब्द होगा आकृष्ट। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो उसके लिए एक शब्द होगा आकृष्ट पूर्वा। पर्वत या पहाड़ी के ऊपर वाली भूमि को हम बोलेंगे अधित का। जिस जमीन में उत्पन्न करने वाली शक्ति नहीं है उसके लिए बोलेंगे एक शब्द अनुर्वर। जिस भूमि को जोता ना गया हो उसे कहेंगे अपरहत। जो भूमि बंजर ना हो उसके लिए एक शब्द होगा आवंध है। आवंध, ठीक है, आवंध। पर्वत के पास या समीप की भूमि को हम कहते हैं उपतयका। पर्वत या पहाड़ के नीचे तलहटी की भूमि को बोलेंगे उपतयका। जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए एक शब्द होगा उर्वरा। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसके लिए एक शब्द होगा ऊसर। पर्वत की पाद प्रदेश से लगी हुई भूमि को बोलेंगे तराई। दो नदियों के बीच की भूमि को हम बोलेंगे दोआब। दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम बोलेंगे द्रोड़। दो पर्वतों के बीच की घाटी का मध्य भाग होगा द्रोड़ी। दो पर्वतों के बीच का सकरा मैदान या सकरा मार्ग होगा घाटी। अब आगे हम देखते हैं तिथि से संबंधित प्रमुख शब्द जो है तो इसको हम देखेंगे। मास के किसी पक्ष की पहली तिथि को हम बोलते हैं प्रथमा या प्रतिपदा। मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि को हम बोलते हैं द्वितीया। मास के किसी पक्ष की तृतीय तिथि या तीसरी तिथि को कहते हैं तृतीया। मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि को बोलेंगे चतुर्थी या चौथ। मास के किसी पक्ष की पांचवी तिथि को बोलेंगे पंचमी। मास के किसी पक्ष की छठवीं तिथि को बोलेंगे षष्ठी। मास के किसी पक्ष की सातवीं तिथि को बोलेंगे सप्तमी। ऐसे आठवीं तिथि को बोलेंगे अष्टमी, नौवीं को बोलेंगे नौमी और दसवीं को बोलेंगे दसवीं। ग्यारहवीं को बोलेंगे एकादशी, बारहवीं को बोलेंगे द्वादशी, तेरहवीं को बोलेंगे त्रयोदशी, चौदहवीं तिथि को बोलेंगे चतुर्दशी। अब यहाँ पे फिर कृष्ण पक्ष है, मास के कृष्ण पक्ष की पंद्रहवीं तिथि। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यहाँ आ जाएगा कृष्ण पक्ष। ठीक है, अब कृष्ण पक्ष की पंद्रहवीं तिथि को हम बोलेंगे अमावस्या। अब मास के शुक्ल पक्ष की पंद्रहवीं तिथि को बोलेंगे पूर्णिमा। ये दोनों डिफरेंस हैं। ठीक है, अब चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाने वाला मास तो कहलाएगा चंद्रमास। चंद्रमास के जिस पक्ष में शाम को चंद्रमा दिखने
लगे उसे हम बोलेंगे शुक्ल पक्ष। ठीक है, प्रतिदिन होने वालों को बोलेंगे दैनिक, 7 दिनों में आने वाला या होने वाले को बोलेंगे साप्ताहिक। ठीक है, पखवाड़े में या 15वें दिन एक बार आने वाला या होने वाले के लिए बोलेंगे पाक्षिक। क्या बोलेंगे? पाक्षिक। ठीक है, मास में एक बार आने वाला या होने वाले के लिए होगा मासिक। हर 3रे महीने आने वाला या होने वाले के लिए बोलेंगे त्रैमासिक। 6-6 महीने पर आने वाला या होने वाले के लिए बोलेंगे षष्ठमासिक। 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार आने वाले को बोलेंगे अर्धवार्षिक। वर्ष में एक बार आने वाले के लिए बोलेंगे वार्षिक। ठीक है, और 100 वर्ष में आने वाले या होने वाले के लिए बोलेंगे शतवार्षिक। 3 युगों में आने वाले या होने वाले को बोलेंगे त्रियुगी। 7 दिनों की अवधि या समय को बोलेंगे सप्ताह। 6 महीने के समय को हम बोलेंगे छमाही। 10 वर्ष के समय को हम बोलेंगे दसवीं। ठीक है, दशाब्दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दशाब्दी होगा। ठीक है, और 100 वर्षों की अवधि के समय को बोलेंगे शताब्दी। जन्म से 100 वर्ष की अवधि के समय को बोलेंगे जन्मशती। ठीक है, जन्म से 100 वर्ष की अवधि या समय को हम बोलेंगे जन्मशती। अब फिर आगे है कार्य करने की इच्छा। कार्य करने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा, ठीक है, चिकीर्षा। क्या होगा? चिकीर्षा होगा। लंबे समय तक जीने वाले के लिए एक शब्द होगा चिरंजीवी। चिंता या चिंतन करने योग्य बात के लिए एक शब्द होगा चिंतनीय या चिंतन, या चिंतनीय होगा या चिंतित होगा। ठीक है, चिंतनीय या चिंतय होगा। ठीक, सॉरी चिंतय इसको बोलेंगे। आगे देखते हैं। हाँ, चार पैरों वाला के लिए एक शब्द चौपाया या चतुष्पद। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसके लिए एक शब्द होगा छयवासी। क्या होगा? छंदवासी। दूसरों की केवल दोषों को खोजने वाले के लिए होगा छिंद्रान्वेषी। क्या होगा? छिंद्रान्वेषी, मतलब दूसरों में हमेशा जो कमी ढूंढता रहता है तो उसके लिए छिद्रान्वेषी होगा, छिद्रान्वेषी। ठीक, कई बार पूछा गया है। पत्थर को गढ़ने वाले औजार, जो पत्थर को गढ़ने वाला औजार होता है तो उसके लिए एक शब्द होगा छैनी। बारात ठहराने का जो स्थान होता है उसके लिए एक शब्द होगा जनवासा। जिसने आत्मा को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द होगा जीतात्मा। ठीक, क्या होगा? जीतात्मा। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए एक शब्द होगा जितेंद्रिय। जो जीतने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है जे। ठीक है, जेठ या पति का बड़ा भाई का पुत्र जो है तो उसके लिए होगा एक शब्द जेठोत। ठीक है, स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश के लिए होता है एक शब्द जौहर। ठीक है, ज्ञान देने वाली के लिए एक शब्द होगा ज्ञानदा। ज्ञान देने वाली के लिए एक शब्द होगा ज्ञानदा। ठीक, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द होगा ज्ञान पिपासु। जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य के लिए एक शब्द होगा डिंडोरा। ठीक है, जो किसी भी गुट में ना हो उसके लिए एक शब्द होगा तटस्थ या निर्गुट। हल्की नींद के लिए एक शब्द होगा तंद्रा। क्या होगा? तंद्रा। ठीक, जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो उसके लिए एक शब्द होगा तल्लीन। ठीक है, क्या होगा? तल्लीन। ठीक, ऋषियों के तप करने की भूमि को हम बोलेंगे तपोभूमि। ठीक है, अब हम देखते हैं चर पद योम जलयान से संबंधित प्रमुख शब्द जो है उसको देखेंगे। ठीक है, हाँ तो देखते हैं। जो जीव चलने वाले हों उसे हम कहेंगे चर। एकाधि भौतिक स्थितियों में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द होगा उभयचर। जल थल दोनों जगह रहने वाले प्राणी को बोलेंगे उभयभर बोलेंगे। ठीक है,
जो छाती के बल चलता हो उसे बोलेंगे उरग या सर्प। खे या आकाश में उड़ने वाले के लिए एक शब्द होगा खेचर या खग। जल थल दोनों में रहने वाले के लिए एक शब्द होगा जल भुइया, जल भुइया बोलेंगे। और जल में चलने वाले या विचरण करने वाले के लिए एक शब्द होगा जलचर। दो पैरों से चलने वाले के लिए एक शब्द होगा द्विपदी। आकाश में उड़ने वाले के लिए एक शब्द होगा नभचर। निशा में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द होगा निशाचर। भुजा के बल चलने वाले के लिए एक शब्द होगा भुजंग। भू पर चलने वाले के लिए एक शब्द होगा भूचर। रात्रि में चलने वाले के लिए एक शब्द होगा रात्रिचर। जिसके दो पैर हों उसे हम कहेंगे द्विपद। जिसके चार पैर हों उसे हम कहेंगे चतुष्पद। ठीक है, चार पैर, ठीक है, उसे हम बोलेंगे चतुष्पद। छह पैरों वालों को बोलेंगे षष्ठपद। जो यान या सवारी जल में चलता है उसे हम बोलेंगे जलयान। अब हम देखते हैं ज्ञान से संबंधित जो प्रमुख शब्द हैं उसको देखते हैं। तो अनुमान द्वारा ज्ञान प्राप्त को अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम कहते हैं अनुमिति। उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम बोलते हैं उपमिति। थोड़ा या कम जानने वाले को हम बोलेंगे अल्पज्ञ। जो कम जानता हो उसे हम बोलेंगे अल्पज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है उसे हम बोलेंगे अज्ञ या अज्ञानी। जो ना जानता हो उसे हम बोलेंगे अज्ञ या अनभिज्ञ। जो जानता हो उसे हम बोलेंगे अभिज्ञ या ज्ञाता। इतिहास जानने वाले को हम बोलेंगे इतिहासविद। जो कला जानता है, कला जानने वाला हो उसे हम बोलेंगे कलाविद। समय का पहचान करने वाले के लिए एक शब्द होगा कालज्ञ। जो कूटनीति जानता हो उसे हम बोलेंगे कूटनीतिज्ञ। जो गणित शास्त्र का जानकार हो उसे हम बोलेंगे गणितज्ञ। गुणों की पहचान करने वाले के लिए हम बोलेंगे गुणज्ञ। जो तत्व को जानता हो उसे हम बोलेंगे तत्वज्ञ या तत्वज्ञानी। जो न्याय जानता हो उसे हम बोलेंगे न्यायविद। नीति का ज्ञान रखने वाले को हम बोलेंगे नीतिज्ञ। जो विशेष रूप से जानता हो उसे हम बोलेंगे प्रज्ञ। जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे हम बोलेंगे बहुज्ञ। जो भूगर्भ विज्ञान का जानकार हो उसे हम बोलेंगे भूगर्भवेत्ता। जो किसी बात का मर्म जानने वाला हो उसे हम बोलेंगे मर्मज्ञ। जिसे राजनीति का ज्ञान हो उसे हम बोलेंगे राजनीतिज्ञ। लिपि या अक्षर संकेतों को जानने वाले को हम बोलेंगे लिपिज्ञ। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले को हम बोलेंगे विशेषज्ञ। जो वेद जानता हो वेदों को जानने वाले, ठीक है, सॉरी फिर से देखते हैं। जो वेद जानता है वेदों को जानने वाला उसे हम कहेंगे वेदज्ञ। विज्ञान के जानने वाले को हम बोलेंगे वैज्ञानिक। शास्त्रों की अच्छी जानकारी जो रखता है उसे हम बोलेंगे शास्त्रज्ञ या शास्त्री। जो संगीत जानता हो उसे हम बोलेंगे संगीतज्ञ। तीनों कालों को जानने वाले को हम बोलेंगे त्रिकालज्ञ। ठीक है, जो जानता हो उसे हम बोलेंगे ज्ञाता। ठीक, हाँ, अब आगे देखते हैं। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसे हम बोलेंगे तकाबी। क्या बोलेंगे? तकाबी। जिसमें बाण रखे जाते हैं उसके लिए एक शब्द होगा तरकस या तुड़ी, तो उसे हम बोलेंगे तुड़ीर। ठीक है, क्या बोलेंगे? तुड़ीर। ठीक, जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो उसके लिए एक शब्द होगा तस्कर। दैहिक, दैविक और भौतिक सुख के लिए एक शब्द होगा ताप त्रय। तैर कर पार जाने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा तितिरसा। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक के लिए एक शब्द होगा तीर्थकर। ठीक है, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है उसके लिए एक शब्द होगा त्राता। दुखांत नाटक के लिए एक शब्द होगा त्रासदी। भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने या देखने वाले के लिए होगा त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी। जिसके तीन आँखें हैं उसके लिए एक शब्द होगा त्रिनेत्र। वह स्थान जो दोनों वृक्ष कुटियों के बीच हो
उसके लिए एक शब्द होगा त्रिकुटी। 3 महीने में एक बार के लिए होगा त्रैमासिक। जो धरती पर निवास करता हो उसके लिए बोलेंगे अस्थलचल। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए होगा एक शब्द दत्तक। संकुचित विचार करने वाले के लिए एक शब्द होगा दांकियानूस। क्या होगा? दांकियानूस। 2 बार जन्म लेने वाले के लिए ब्राह्मण, पक्षी, दांत। ठीक है, ब्राह्मण, पक्षी और दांत, तो इसके लिए क्या होगा? द्विज। ठीक, जिसने दीक्षा ली थी उसके लिए एक शब्द होगा दीक्षित। अनुचित बात के लिए, आग्रह के लिए एक शब्द होगा दुराग्रह। बुरे भाव से की गई संधि के लिए एक शब्द होगा दुर्भ संधि। 2 विभिन्न भाषाओं को जानने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे की बात समझाने वाला के लिए एक शब्द होगा द्विभाषिया। जो शीघ्रता से चलता हो उसके लिए एक शब्द होगा द्रुतगामी। जो कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा दुर्जेय। क्या होगा? दुर्जेय। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो उसके लिए एक शब्द होगा दुरभिग्रह या दुर्ग्राह। दुर्ग्राह, दुग्रह होगा। ठीक है, पति के इस स्नेह से वंचित स्त्री को बोलेंगे दुर्भगा। ठीक है, दुर्भगा। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता हो उसके लिए एक शब्द होगा दुर्गम। जिसमें खराब आदतें हों उसके लिए एक शब्द होगा दुर्व्यसनी। जिसको मापना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होगा दुष्परिमेय। जिसको जीतना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्जेय। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है उसके लिए एक शब्द होगा दूध मुहा। ठीक है, दूध मुहा होगा। हाँ, अब देखते हैं मुख, आग, अभाव से संबंधित प्रमुख शब्द हैं उसको देखते हैं। जिसका मुख गज के समान हो उसे हम बोलेंगे गजानन। जिसके 4 भुजाएं हैं उसे हम बोलेंगे चतुर्भुज। 4 मुखों वालों के लिए एक शब्द होगा चतुरानन। जिसके 10 आनन हैं उसे हम बोलेंगे दशानन। जठर या पेट में लगने वाली आग को बोलेंगे जठर अग्नि या जठरानल। जंगल में लगने वाली आग को हम बोलेंगे दावाग्नि या दवानल। समुद्र में लगने वाली आग को हम बोलेंगे बड़वाग्नि या बड़वानल। किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव के लिए एक शब्द होगा प्रागभाव। किसी पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न अभाव के लिए एक शब्द होगा प्राधान्य अभाव, सॉरी प्राधाव वंशाभाव होगा। ठीक है, किसी वस्तु का सर्वथा न होना इसके लिए होगा अंतयता भाव। ठीक है, 2 वस्तुओं की आपसी अभाव के लिए एक शब्द होगा अनोना भाव। ठीक है, तो अब आगे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे जो बचे हुए हैं। और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।